मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा घाट पर सफाई अभियान चलाया तो नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर शीतला पटले भी घाट की गंदगी को साफ करने में जुट गई। मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में प्रशासनिक अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ कलेक्टर मैडम ने भी उठाया झाड़ू। नर्मदा घाट पर मंत्री जी और डीएम मैडम ने चलाया स्वच्छता अभियान। मंत्री जी ने ठाना है नर्मदा को स्वच्छ बनाना है। विश्व शौचालय दिवस पर नर्मदा को शुद्ध करने निकले मंत्री प्रहलाद पटेल। यह नजारा है नरसिंहपुर जिले के बरमान नर्मदा घाट का, जहां मध्य प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री अपने हाथों से मां नर्मदा के घाटों से कचरा उठाकर अलग कर रहे हैं। जब मंत्री जी सफाई कर रहे हैं तो फिर कलेक्टर मैडम कैसे खड़े रहती। कलेक्टर शीतला पटले भी हाथ में झाड़ू थामकर सफाई में जुट गई। इतना ही नहीं, अपने हाथों से कचरा उठाकर अलग करने लगी। भैया नमस्ते। दरअसल विश्व शौचालय दिवस पर नरसिंहपुर के बरमान घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल और कलेक्टर ने लोगों से स्वच्छता रखने की अपील की, साथ ही पूजन सामग्रियां विसर्जित करने के लिए कुंड बढ़ाने के निर्देश दिए। शौचालय दिवस है और जिले स्तर का कार्यक्रम आज बरमान में है। मैं सभी उन नर्मदा भक्तों को जो स्वच्छता अभियान में वर्षों से लगे हुए हैं, आज उनने शौचालय दिवस को सार्थक बना दिया। मैं अपने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीओ, हमारे जनप्रतिनिधि मुन्ना भैया, हमारा अपना संकल्प है, लेकिन आज सबने यहाँ उपस्थित होकर इस शौचालय दिवस को सार्थक बनाया, इस बात के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। एक निवेदन भी कर रहा हूँ, हम सब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग वस्त्र सीधे नर्मदा जी में डालते हैं उसकी कोई व्यवस्था बनाने पर आज विचार हुआ है और मुझे लगता है कि एक आने वाले 15 दिन में हम कोई कारगर उपाय शुरू करेंगे और मैं उसमें सबका सहयोग चाहता हूँ। कई बार हमको असुविधा लगती है, लेकिन जो ऐसी गलती करे उनको एक प्राथमिक दंड मिलना ही चाहिए, तब कहीं जाकर ये प्रयास स्थायी रूप से सफल हो गए। मैं फिर से सभी से आग्रह करूंगा, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत लंबी दूरी नर्मदा जी तय करती हैं और इसमें बरमान विशेषकर हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सभी अनुयायी आते हैं और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी यहाँ पे होती है, मान्यताओं को भी लोग यहाँ पे पूरा करते हैं और उसके चलते कई बार यह स्थिति भी निर्मित होती है कि बरमान में अनफॉर्चुनेटली गंदगी भी डेवलप हो जाती है। तो आज वर्ल्ड शौचालय दिवस पर ये सफाई का एक कार्यक्रम जिला स्तरीय यहाँ पे रखा गया है और काफी भारी मात्रा में यहाँ पर
कचरे का कलेक्शन हुआ है, जो सफाई के मान से तो बहुत उचित है, लेकिन इतनी मात्रा में यदि कचरा निकलता है तो ये भी समझ आती है कि हमें बहुत ज्यादा कार्य करने की अपने तटों पे आवश्यकता है, विशेषकर बरमान में और आवश्यकता है, क्योंकि कतिपय मेले बहुत ज्यादा लगते हैं। इसमें हम सभी से ये अपील करना चाहेंगे कि कृपया अपने जो भी कपड़े कुल मिलाकर माँ नर्मदा की गोद से आने वाले मंत्री प्रहलाद पटेल लगातार नर्मदा की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं और इसे लेकर वे शासन और प्रशासन स्तर पर हर तरह के नवाचार भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, नरसिंहपुर।